जकम्मा विधायक का 94-15-20-24-01 हो, रामनगर का 94-54-43-96 हो, लंका का 94-54-43-90 हो, दशाश्वमेध घाट का 94-54-43-84 हो। अभी तक आपने गूगल बॉय कौटिल्य के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको गूगल दादी के बारे में बताएंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की रहने वाली गूगल दादी एक ऐसी बुजुर्ग महिला है जो चलती फिरती फोन डायरेक्टरी है। उनको अधिकारी से लेकर विधायक तक, थाने और हेल्पलाइन आदि सैकड़ों फोन नंबर जुबानी याद है, इसलिए लोग उनको गूगल दादी के नाम से जानते हैं। रमा शंकर का 94-15-20-65-69 हो, रमा शंकर मंत्री जी का हो, अरुण महतो का वहाँ का अरुण विधा उनका रसूलपुर का हो, 94-15-35-37-71 हो, बूथ प्रभारी का 94-15-35-35-61 हो, हमारे अदलहाट का 94-44-40-02। मिर्जापुर जिले में चुनार तहसील क्षेत्र के परशुरामपुर गांव की रहने वाली गूगल दादी किसान के परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनकी इस प्रतिभा पर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सराहना कर चुके हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों की उम्र बढ़ने के साथ ही उनकी याददाश्त भी कम होने लगती है, लेकिन 65 साल की सीतापति पटेल की जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे उनकी याददाश्त भी बढ़ रही है। गूगल दादी के नाम से मशहूर सीतापति पटेल एक ऐसी फोन डायरेक्टरी हैं जिनको केवल जुबान पर ही आस पड़ोस के जिलों के थानों, हेल्पलाइन नंबर, अधिकारियों और नेताओं के फोन नंबर याद हैं। हालांकि दादी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो पढ़े लिखों को फेल करती नजर आती है। यही नहीं, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए एक गीत भी तैयार किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी तक उनकी सराहना कर चुके हैं। बार भी तर जाई है कि भोले नाथ गोड़े से दाबई है भैया बहिनी नारे खोरे खाले ऊंचे चोरावा छी पला हूँ अपन अपनी जातिया बाचाला भैया बहिनी। बस दादी को कष्ट इस बात का है कि अभी तक उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। सरकार से हमें कुछ नहीं मिला, अब आप लोग चाहवा तब मिली।